दोस्तों माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन स्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं लवली न्यू फाइनेंस टोकन के बारे में, बट उससे पहले डैम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो कभी भी मिस ना करें। जिस प्रकार से मैंने काफी ज्यादा टोकन कुछ बताए हैं और सभी अभी तक सक्सेस चले हैं, अभी तक हमारा एक भी टोकन स्कैम नहीं गया है और आगे आने वाला आई थिंक सो और भी स्कैम नहीं जाएंगे। इसी के बाद में एक नया टोकन आने वाला है, बहुत 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 ज्यादा शानदार मुझे कंपनी टोकन मिला है, बिल्कुल भी मीम टोकन नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे एक दो दिन के बाद में आपके सामने, वो टोकन भी आपको बता दूंगा। तो पेटी आप निकस लीजिए और यहां पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहां पर देख सकते हैं माइनिंग वाली साइट है, आज भी मुझे लगभग $173 का फ्री में पॉकेट में प्रॉफिट, यहां से जाकर चेक करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में, लवली न्यू फाइनेंस के बारे में। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या अपनी जो भी परफॉर्मेंस है अभी लवली इनू की, उसको देखते हुए क्या लगता है कि बाइनेंस आगे आने वाले समय में कभी लवली इनू को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि सबसे पहली बात होती है जो चीज़ जिसके ज़्यादा डिमांड में होती है ना, वही चीज़ें यहाँ पर लिस्ट होती है, साथ में वो परफॉर्मेंस भी अच्छा करना चाहिए। तो उनकी प्रेडिक्शन है भैया 100% लवली इनू को एक्सेप्ट कर सकता है बाइनेंस, और मेरा भी यही मानना है कि लवली इनू को दाखिला कर सकता है अपनी टीम में बाइनेंस जरूर आगे आने वाले समय में। जहां पर लवली इनू फाइनेंस सपोर्टर की तरफ से यह पोल भी डाला गया है जिन्होंने कहा है पॉसिबली ऑन लिस्टिंग ऑफ लवली इनू बिफोर सेप्टेम्बर ऑन बाइनेंस, क्या यहां पर सेप्टेम्बर से पहले बाइनेंस लवली इनू को लिस्ट कर सकता है या नहीं? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली नॉट, मे बी लास्ट ऑफ द अक्टूबर और सेकेंड वीक और द दिसंबर, योर ओपिनियन। आपकी ओपिनियन क्या है भैया? यस लिस्ट बिफोर सेप्टेम्बर, 40 वोट यहाँ पर मिले हैं, 40%, इट्स फेक न्यूज़ पर 22% वोट मिले हैं, मैंने थर्ड पर किया है, एग्री हूँ मैं भैया कि यहाँ पर कर सकता है, जरूरी नहीं मैं नहीं कह रहा कि सेप्टेम्बर में करेगा, लेकिन जो भी इसका एक्सपीरियंस है और लगातार चल रहा है, मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में जरूर कर सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ पूरा। और कुछ लोगों ने यहाँ पर किया है स्ट्रांगली एग्री, मेरा वाला सबसे कम है 17 वाले, तो हो सकता है क्या बताया यूनिक थिंकिंग यहाँ पर रही होगी। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या लवली इनू बाइनेंस को बाइनेंस पर लिस्टिंग किया जा सकता है या नहीं? मेरे हिसाब से वजीर एक्स हो गया, बाइनेंस हो गया और कॉइनस्विच कुबेर, तीनों पर भी इसे आगे आने वाले समय में लिस्ट किया जा सकता है, क्योंकि भैया यहाँ पर देख सकते हैं जो सप्लाई है लगातार कम होता जा रहा है, हमारी जो 1000 ट्रिलियन के साथ में सप्लाई स्टार्ट हुआ था वो अब रह चुका है मात्र 80 ट्रिलियन, और जो हमारे 17000 होल्डर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश यहाँ पर करके देख लेते हैं, कभी कभी एक एक दो दो होल्डर हमारे फ्लक्चुएट हो जाते हैं, जहाँ पर हमारा एक होल्डर हमारे सामने कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह होल्डर कम नहीं है, एड्रेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हॉटबिट का बात किया जाए तो यहाँ पर पहले 3 नंबर पर था, उसके बाद में 4 पर आया, 5 पर आया, वापस यहाँ पर 4 नंबर पर आ गया है, और जितना पर पहले जो पहला टॉप होल्डर उसके सामने सप्लाई कम होगा उतना ज्यादा स्कैम होने की संभावना कम हो जाती है। कि कोई भी बड़े एक्सचेंज पर अगर यह लिस्ट हो जाता है तो इसके जो भी स्कैम होने की संभावना है वो एकदम लगभग नगण्य हो जाती है, 0 के तकरीबन हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा टोकन रहते हैं वो यहाँ पर एक्सचेंज के पास में लॉक हो जाते हैं। परंतु बात किया जाए अगर केवल स्वाप का, तो अगर केवल वह चीज स्वाप पर है या फिर केवल उसकी सेलिंग चल रही है तो यहाँ पर स्कैम होने की संभावना कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन उसमें भी अभी देखा जाए तो लगभग लोग यहाँ पर मीम टोकन्स, एनएफटी टोकन्स के बारे में यहाँ पर बातें करते जा रहे हैं और लवली इनू सभी में यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आगे आने वाले 4-5 महीनों में बाइनेंस, कॉइनस्विच, कुबेर या वजीर तीनों में से क्या उसे एक भी यहाँ पर लवली इनू फाइनेंस को लिस्ट करने वाला है या फिर नहीं? और आगे आने वाले समय में लगभग 6 सितंबर का मेरे हिसाब से डेट है उसका, या फिर 11 सितंबर के बीच बीच में एक नया टोकन आने वाला आपको जरूर बताऊंगा। तो अपनी पेटियां जरूर कसके रखिए, फंड थोड़ा तैयार रखना, काफी ज्यादा शानदार टोकन आने वाला है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।